चालू। ओके हाँ अभी कीजिए माता जी। माता जी, हरे कृष्णा। एक मिनट माता जी, मेरा कृष्ण माता जी, स्क्रीन शेयर हो रही है माता जी? जी माता जी, हो रही है, हो रही है। हरे हरे कृष्णा सभी को। कृष्ण। आज जैसे हमारा यूनिट 2 का 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया, 11 शुरू करेंगे भगवान के विराट रूप के साथ। पर उससे पहले जो हमने 10th चैप्टर आप कंप्लीट किया था, तो 10 और 11 के बीच में क्या संबंध है? तो जो कृष्ण के मूल है, जो 10 चैप्टर में 1 से 7 में बताए थे, जिसमें चतुर शिक्ष श्लोक की गीता का वर्णन भी किया था, उसमें अर्जुन की प्रतिक्रिया भी थी और कृष्ण के सारे ऐश्वर्य वहां पे बताए थे। तो कृष्ण के कौन से ऐश्वर्य है? जब हम अपनी आजू बाजू में, जब हम अपने सराउंडिंग में कुछ चीजें बेस्ट देखते हैं ना, तो वो कृष्ण है। तो ऐश्वर्य ही ऐसे है। भगवान के ऐश्वर्य कौन से थे, सारे तो हम लोग नहीं बोलेंगे, बट जो मेन है, जैसे सारी तिथियों में बेस्ट तिथि कौन सी है? एकादशी। रुद्रों में कौन है? शिव है। यक्ष में कौन है? कुबेर है। पर्वत में मेरु है। पुरोहित मतलब ब्राह्मण में बृहस्पति है। सेना के नायक में कार्तिकेय है। तो यज्ञ में, जिसको कलयुग में यज्ञ जपा को कहा है, तो यज्ञ में कौन है? जप। तो ये सब चीजें जो बेस्ट है, द बेस्ट, वो कौन है? कृष्ण। जब हम अपनी आजू बाजू में किसी बेस्ट चीज को देखते हैं, चाहे वो अपने घर में हो, चाहे अपनी सास में हो, चाहे अपने बच्चे में, कुछ बेस्ट चीज, कुछ यूनिक देखते हैं ना, तो वो समझ जाना चाहिए कि ये श्री कृष्ण है। तो जो भगवान के ऐश्वर्य है, तो भगवान ने सिर्फ थोड़ा सा एक अंश बताया है। भगवान ने पूरे 100% अपने ऐश्वर्य कहीं पे भी नहीं बताया है। भगवान ने उसका एक अंश बताया। जैसे 10th चैप्टर में भगवान ने जब कंप्लीट किया था अपने ऐश्वर्य के बारे में, तभी उन्होंने कहा था कि मैं ये जो बता रहा हूं तुम्हें, वो सिर्फ एक अंश मात्र है, और मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब इसके साथ जो 10th चैप्टर है, उसके साथ ही, भगवान के ऐश्वर्य के साथ ही, अर्जुन का पूरा मोह खत्म हो जाता है। जो कंफ्यूजन था ना, मुझे लड़ाई नहीं करनी है, युद्ध नहीं करना है, सामने मेरे दादा परदादा सब खड़े हैं, मेरे दोस्त खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मैं कैसे उनका वध करूं? और उनके जो रीजंस दे रहे थे, उसके बाद कर्म योग के 6 चैप्टर दिए, वो 6 चैप्टर में कि कर्म क्या करने हैं भगवान ने उनको समझाए, कैसे करने हैं वो समझाए, और कैसे तू मुझे प्राप्त करेगा वो समझाए। उसके बाद 7 से हमारी भक्ति शुरू हुई। तो एक बोलते हैं ना, जो एक संदूक होता है, संदूक का नीचे का भाग है 1 से 6 चैप्टर, ऊपर का भाग है 13 से 18 चैप्टर। संदूक के अंदर का जो खजाना है वो है भक्ति, 7 से 12 चैप्टर। उसमें से ये जो 11 है, भगवान का विराट रूप, वो उसको द बेस्ट माना गया है। तो वो है भगवान का 11 चैप्टर, वो खजाना है। मतलब सार सात से वैसे सारा खजाना ही है, भगवत गीता खजाना ही है, पर जो 7 से 12 है वो और ज्यादा बोलते हैं ना, यूनिक है, भक्ति है। और वो कैसी भक्ति है? प्रेम भक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति है। जब हम भक्ति करते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि हम सतोगुण में आ गए। सतोगुण में आ तो जाते हैं, बट बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हमें अपनी भक्ति पर ही हमें अहंकार होना शुरू हो जाता है। तो कितनी भी भक्ति करे,
हमें भगवान के सरेंडर हो जाना है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ज्ञान, हम सोचते हैं कि भगवत गीता पढ़ लिया, भगवत गीता अरे रोज पढ़ते हैं हम लोग, अरे भागवतम करते हैं, अरे हमने ये कर लिया, हम तो सालों से यही काम करते हैं। जहां पे मैं बोलते ना आई मी माई सेल्फ, मैंने कर लिया, मैं कर रही हूँ मैं, तो वहां पे क्या हो जाते हैं हम लोग, जीरो हो जाते हैं, मतलब हमने कुछ नहीं किया है। वो ज्ञान क्या हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो जब भी अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है ना, तो हमें जीरो बन जाना है। मेरा कुछ नहीं है, मेरा अस्तित्व ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तुझसे प्यार करना है, तुझसे प्रेम करना है, बस मुझे यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान के ऐश्वर्य ठीक है ना, मेरे कृपालु, मेरे दयालु, मेरे कृष्ण, उसका ऐश्वर्य तो यही होगा, मैं शब्द से ना वर्णन कर पाऊं, ऐसे मेरे भगवान का ऐश्वर्य है, शब्द से कोई नहीं वर्णन कर पाते भगवान की भक्ति को। जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में, जब देखते हैं भगवान के विग्रह को, और आंख में से पानी निकलने लगते हैं, गूज़बम्प होने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो होती है हमारी शुद्ध भक्ति। शुद्ध बोलना बहुत इजी है, प्योर बोलना बहुत इजी है, पर वो पथ पे चलना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि भक्ति और प्रेम का मार्ग भी ऐसे स्पीड ब्रेकर ब्रेकर के जैसा है, आएगा फिर ब्रेक लगानी पड़ेगी फिर चलना है। पर भगवान कहते हैं कि तू मुझे सरेंडर हो जाएगा ना, भक्ति मतलब क्या होता है, भगवान को सरेंडर हो जाना। और जब हम टोटली कि मेरी एक एक सांस जो अभी चल रही है ना कृष्णा, सब तुझे मैं दे देती हूँ, तुझको ही अर्पण है, मेरा सारा चीज तुझे अर्पण है, मेरी आत्मा तक तुझे समर्पित है, तो वो होती है शुद्ध भक्ति, वो होती है शुद्ध भक्ति। तो ये भक्ति का 11वां चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें 10th चैप्टर में भगवान जो बताया है कि 10th चैप्टर का 8 श्लोक का कोई पढ़ेगा क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी जी माता जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, पढ़िए माता जी 10th चैप्टर। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तम सर्वपर्वतते इति मत्वा भजन्ते मा बुधा भाव समनिवता। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, इसका तात्पर्य भी पढ़ दीजिए आप। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है, जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण, तात्पर्य पूरा करना। नहीं नहीं माता जी, इतना थैंक यू महाराज जी, माता जी धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, जैसे 10th चैप्टर में भी भगवान ने क्या कहा है कि मैं पूरे भौतिक जगत का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है, हम सब भगवान के ही अंश है, जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जलचर हो, स्थलचर हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, बैक्टीरिया क्यों ना हो, ये सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। और भगवान कहते हैं कि जो बुद्धिमान ये भली भांति जान लेते हैं ना, भक्ति द्वारा जो जान लेते हैं ये चीज को, वो मेरी प्रेमा भक्ति में लग जाते हैं और वो हृदय से पूरी तरह से मेरी भक्ति करने में, पूजा करने में तत्पर हो जाते हैं, उसको कोई लेना देना फिर कहीं से नहीं होता है। हरे कृष्णा, अब कोई पढ़ेगा 42 श्लोक 10th चैप्टर का? हरे कृष्णा, हरे कृष्ण माता जी, मैं पढूं? जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम माता जी। अथवा बहुनैतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याह मिदं कृतस्नमेकांशेन स्थितो जगत भावात्। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर को धारण कर। हरे कृष्ण,
हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। जैसे ये दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हैं, जहाँ पे भक्ति होती है वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। तो भगवान यहाँ यही कहते हैं कि जो प्रेम भक्ति में लग जाते हैं ना, वो कभी कुछ और नहीं पूछेंगे। फिर यहाँ पे इसको जोड़ा है 11वें चैप्टर के 8वें श्लोका से। हरे कृष्ण, कोई पढ़ेगा 8वां श्लोक? जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, तात्पर्य भी पढ़ना है क्या? नहीं नहीं माता जी, सिर्फ इसका भावार्थ। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ये कहते हैं कि मेरा इतना सारा ऐश्वर्य है, सारी चीजें एक अंश बताई मैंने 10th चैप्टर में, पर जो मुझे भक्ति से जानते हैं, जो मुझे प्रेम करना जानते हैं ना, उनको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और 11वें चैप्टर में भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं, तब वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम्हारी ये जो दो दृष्टि है ना, इससे तुम मुझे नहीं देख पाओगे, इसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा। तो भगवान को अगर जानना है, हमें पहचानना है, तो ये दो आंखें जो भौतिक जगत की है वो जरूरी नहीं है, हमारी मन की आंखें जो है वो होनी बहुत जरूरी है। और इसके साथ हम चैप्टर एक स्टार्ट करते हैं कि अर्जुन ने विराट रूप में, अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं गुह्यं मध्यात्म संगीतं यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहयं विगतो मम। अब अर्जुन क्या कहते हैं कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर अब मेरा मुंह दूर हो गया, मेरा मोह ही पूरा तरीके से चला गया है। अर्जुन को जितना भी मोह था, जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी कंफ्यूजन था, भगवान वन बाय वन उसको आंसर करते रहे, उसको सॉल्यूशंस देते रहे। वो बोल रहा है मुझे युद्ध नहीं करना है, कोई दया नहीं है, कोई आनंद नहीं है, परंपरा का नाश हो रहा है, कितने एक्सक्यूज दिए। भगवान ने हर एक्सक्यूज को खंडन करते 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 उसका सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब अर्जुन कहते हैं कि मेरा सारा मोह चला गया है, मैं युद्ध करने के लिए रेडी हूं। तो पहले क्या था, अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र थे, पर जब अर्जुन ने कृष्ण को एक गुरु के रूप में स्वीकार किया और बोला कि मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठ है वो आप मुझे बताओ, मैं वो करूंगा, तो अभी जो उनके गुरु है, ठीक है, कृष्ण, हम सब के गुरु, जगत गुरु कृष्ण है, उन्होंने उसका पूरा मोह दूर कर दिया, उसको सब बताया कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें दिखाई, अपने बारे में भी दिखाया सब चीजें, अपना ऐश्वर्य भी दिखाया, सब चीजें दिखाए। अब अर्जुन को समझ में आ गया कि ये तो देवाधिदेव है, ये सामान्य नहीं है, तो अब तो उसका मोह पूरी तरह से चला गया है। तो वो अपने गुरु को प्रणाम करते हुए बोलते ना, गुरु क्या होता है, प्रकाश होता है, अंधेरे को दूर करने वाला होता है। हमारी जिंदगी में बहुत अंधेरा होता है, हम देखते हैं, ऐसा लगता है कि हमारे पास बहुत पैसे है, बहुत बैंक बैलेंस है, बहुत चीजें, आध्यात्मिक में भी हम बहुत आगे हैं, पर हमें कहीं ना कहीं एक गुरु की आवश्यकता हमेशा रहती है, हर एक सिचुएशन में हमें गुरु की आवश्यकता रहती है। और वो कैसे होने चाहिए, प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता हमेशा होती है। कोई एक प्रॉब्लम आती है, मतलब क्या होता है, अंधकार, अज्ञानता, और अज्ञानता से हमें कौन निकाल सकता है, सिर्फ एक गुरु ही हमें निकाल सकते हैं। तो गुरु क्या है, जैसे हमने पहले प्रार्थना की ना, अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरु वे नमः। तो गुरु एक है, दिया है, अंधकार में प्रकट होने वाला एक दिया है जो हमारे अंधकार को मिटा देता है। तो जो अर्जुन है उनका मोह दूर हो गया है, भगवान ने उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके साथ पूरी सृष्टि को भगवान ने बहुत अच्छी भगवत गीता का एक संदेश दिया, अब उसका पूरा मोह दूर हो गया है। उसके जो मन में अंधकार था, संशय था, कंफ्यूजन था, नेगेटिविटी थी, वो भगवान ने अपने उपदेश के साथ,
भगवान ने अपनी प्रेरणा के साथ वो पूरी दूर कर दी, और पूरी दूर करने के साथ वहां पे अभी उजाला आ गया है। तो अब क्या हुआ, पूरा मोह चला गया है उसका। तो भगवान को वो थैंक यू कहता है, ग्रेटिट्यूड तो बनता है ना, कि अंधकार से उजाले की ओर उनको ले गए गुरु के रूप में। तो कहते हैं कि अब मेरा मोह जो है, अटैचमेंट है, वो पूरी तरीके से दूर हो गया है। अब जो सेकंड श्लोक है उसमें कहते हैं, भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तर्षो मया त्वत्तः कमल पत्राक्ष महात्मा मपि चाव्ययम्। अब ये कहते हैं अर्जुन आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कि हे कमल नयन, कमल पत्राक्ष मतलब कमल नयन भगवान का ये एक नाम है। अच्छा, मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगी, आप सबको अगर पता है तो आप बोल सकते हो, भगवान के कितने नाम है, कोई बताएगा भगवान के कितने नाम है? हरे कृष्णा, 1,000 आठ आठ है, 1,000 भगवान के असंख्य नाम है, ये तो सिर्फ बुक्स में है 1,008। भगवान नाम। की जब हमने देखा 10th चैप्टर में, भगवान का ऐश्वर्य अंश मात्र था, तो नाम भी असंख्य है भगवान के, कितने तो हमें पता भी नहीं। चैप्टर 1 जो था उसमें भगवान के 7 नाम बताए हैं भगवत गीता में, चैप्टर 2 में 1 नाम बताया है, चैप्टर 4 में 2 नाम बताया, और सबसे ज्यादा भगवान के नाम अगर किसी ने बताए हो तो चैप्टर 11 में। हरे कृष्ण प्रगति माता जी। हरे कृष्ण माता जी, ये भगवत गीता के अनुसार भगवान के 68 नाम है। हाँ, पूरे भगवत गीता में 68 नाम है, पर सबसे ज्यादा चैप्टर 11 में नाम है जी, असंख्य नाम है भगवान के, इतने असंख्य नाम है। ज्यादा नाम है, हमें तो सिर्फ 1,008 वो नामावली लेते हैं ना, इसलिए पता है चलो ये हो गया। पर भगवत गीता के अनुसार बता रही हाँ, हूँ, भगवान के भगवत सिर्फ गीता एट जी, नाम बताए गए हैं। हाँ क्योंकि यहाँ पे जो अर्जुन है वो कभी कृष्ण को संबोधित करते तो अलग अलग नाम से, केशव ऐसे सब अलग, गोपाल गोविंद ऐसे ऐसे नाम से, और पूरे भगवत गीता में 68 नाम भगवान के है, उसमें सबसे ज्यादा 36 नाम ये चैप्टर में है। तो ये भगवान के नाम कितने हो गए, अनंत है, असंख्य है। तो अभी जैसे उनकी कृपा कैसी है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होगी। उनका प्यार कैसा है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। कृष्ण का प्यार अपने बच्चों के लिए कभी खत्म नहीं होता है, वो ना अलग अलग रास्ते देता है हमें कि तू अपने घर वापस आ जा, मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तू ये रास्ते से आ जा, तू ये रास्ते से आ जा, तू धर्म से आ जा, तू कर्म से आ जा, तू मेरा नाम जप पे आ जा, फिर तू आ जा अपने घर वापस आ जा। तो भगवान की कृपा अनंत है, कभी असमाप्त है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं। एक पिता जो होते हैं अपने संतान को कितना प्यार करते हैं, बहुत, हम अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं ना, कोई लिमिट सी नहीं, और माँ की तो वैसे कोई लिमिट सी नहीं होती, अनलिमिटेड लव, अनकंडीशनल लव माँ का होता है। तो ये तो जगत पिता है, तो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं कि तू कहीं से भी अपने घर तो बस अब वापस आ जा, तू थक गया है भौतिक जगत में रहते रहते, अगर हम देखते हैं तो हाँ सच में हम थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, फिजिकली थक गए। जब भगवत गीता पढ़ते हैं या क्लास करते हैं या कुछ भगवान की सेवा करते हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं। तो ये रिफ्रेशमेंट जो होती है हमें कौन देते हैं, हमारे पिता देते हैं हमें। तो यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव भी मैंने किया है। मैंने सुना तो है पर उसके साथ मैंने अनुभव भी किया है। तो यहाँ पे भगवान के 9वें अध्याय में कहते हैं कि वो सर्वव्यापी है, अत्र तत्र सर्वत्र, हर एक जीव में, हर एक जीव के हृदय में भगवान खुद बसते हैं, और उनका ऐश्वर्य भी क्या है, एक अंश भी कैसा है, खत्म नहीं होने वाला एक अंश है। तो सोचो वो वही अंश से पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, तो उनकी शक्ति क्या होगी, जैसे हमने भगवान के 6 गुण देखे हैं, तो भगवान की शक्ति क्या होगी, अपार मतलब असीम, हम समझ ही नहीं सकते, हमारे समझ के पार है, इसलिए समझना ही नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेम और भक्ति ही हमें भगवान से करनी है। अब 3rd श्लोका में, एवमेतद्यथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमम्।
अब थर्ड श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन कोई पढ़ेगा ये हरे कृष्णा तात्पर्य यहाँ पे लिखा है स्लाइड में। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ू? जी जी माता जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद। अर्जुन एक मापदंड निर्धारित करने के लिए सर्वभौमिक विराट रूप को देखना चाहता है, क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक दूत होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे। अंततः लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कोई अपने को कृष्ण कहेगा उसे अपने दावे को पुष्टि के लिए विराट रूप दिखाने के लिए सन्नद्ध रहना होगा। 11.3 तात्पर्य से। धन्यवाद माता जी, हरे धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। ये सही कहा है अर्जुन ने जो बोला था। तो अर्जुन क्या सोचते थे कि हे कृष्ण कथो, जो भगवान ने उनके ऐश्वर्य बताए मुंह पूरा दूर हो गया, भगवान पे 100% उनको ट्रस्ट है, श्रद्धा है कि जो कृष्ण ने दिखाया, जो कृष्ण है इससे भी कुछ आगे है। तो वो बोलते हैं कि आप ना मुझे आपका विराट रूप देखना है, मेरे लिए नहीं पर आने वाले कल के लिए। आने वाला कल मतलब कौन? कलयुग में आप जैसे, मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसे कितने ध्रुत लोग होंगे जो भगवान के अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क ले आएंगे। आज हम देखते हैं बहुत संप्रदाय हो गए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ इस्कॉन है, बहुत संप्रदाय हो गए। और संप्रदाय संप्रदाय में एक दूसरे में इतनी लड़ाइयां रहती है कि मेरा संप्रदाय बेस्ट ये बोल रहे, मेरा संप्रदाय बेस्ट, इतनी अंदर लड़ाइयां रहती है। तो आप सोचो भगवान को भी बांट लिया है, वहां पे भी सबने बंटवारा कर लिया है, ये यहाँ पे भी शांति नहीं रहने दी है। तो अर्जुन ने बोला कि आप मुझे विराट रूप दिखाओ, मुझे तो देखना ही है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है कि मैंने तुझे अपना सारा ऐश्वर्य दिखाया, वो क्या कम था? जैसे उन्होंने लास्ट उनके श्लोका में बताया कि जो मेरे भक्त है, कृष्ण के भक्त कौन थे? कृष्ण के भक्त मतलब जो गोप गोपिया थे, यशोदा थे, वो उनको कभी भगवान नहीं मानते थे, वो उनको अपने जैसा ही मानते थे। तो भगवान कहते जो मेरे भक्त होते हैं, वो जो सबसे शुद्ध होते हैं, वो कभी क्वेश्चन मार्क नहीं करते कि मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ। तो अर्जुन कहते हैं मेरे लिए नहीं पर आने वाले समय के लिए ऐसे बहुत लोग होंगे जो आपके अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या कृष्ण थे? कृष्ण ने ये लीला की थी? कृष्ण ऐसे थे? कृष्ण वैसे थे? तो कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मार्क करते हैं तो उसको ये विराट रूप का वर्णन दिखा सकते हैं, भगवद गीता का चीजें दिखा सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हे भगवान, अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे भगवान को बहुत अच्छे नाम से संबोधते हैं, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम भगवान का एक ऐश्वर्य। तो कहते हैं कि हे पुरुषोत्तम, आप जो आगे जाके जो मिथ्याचारी है उन लोगों को दिखाने के लिए आप अपना विराट रूप दिखाइए, जिससे ये सबके बोले ना एक ज्ञान लाएगा सबके लिए। हरे कृष्णा, ये किसी कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। विश्व रूप जैसे भौतिक प्रकृति प्रकट होती है और प्रकट नहीं होती, वैसे ही कृष्ण का यह सार्वभौमिक रूप प्रकट और अव्यक्त होता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की तरह आध्यात्मिक आकाश में शाश्वत रूप से स्थित नहीं है। 11.5 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब जैसे अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया उनको, तो फोर्थ चैप्टर में कहते हैं कि मन्य से यदि तच्छक्य मया दृष्टि मिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मा न म व्ययम्। तो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, हे योगेश्वर, योगेश्वर फिर से भगवान का नया नाम, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि आपके विश्व रूप को देखने में मैं समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे आप अपना असीम विश्व रूप दिखाए। अपने गुरु को रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट करने के साथ कहते हैं अगर आपको लगता है कि मैं कैपेबल हूं, आपको लगता है कि मेरे में वो चीजें है तो ही आप मुझे दिखाए, वरना आप मुझे मत दिखाए। अर्जुन अभी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, भगवान के पूरे रूप को, पूरे सामर्थ्य को वो जान चुका है। तो अभी क्या करे, गुरु को, गुरु के सामने एक शिष्य को कैसे रहते हैं? दो हाथ जोड़ के, आंख नीचे करके, एक विनम्र भाव से जो बोलते हैं, वैसे अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि मैं योग्य हूं और मुझ में वो योग्यता है कि आपके विराट रूप को मैं देखूं तो ही आप मुझे दिखाओ। फिर भगवान कहते हैं पांचवें श्लोक में,
कि पश्य मे पार्थ रूपाणि चतुर्शोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतिनि च। भगवान कहते हैं कि अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकारों के देवी तथा विविध रंग वालों रूपों को देखो। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और जो मेरा रूप प्रकट होता ना, वो प्रकट होके भी प्रकट नहीं होता है। इतने सैकड़ों देवी देवता को देखोगे, विविध रंगों वाले रूपों को तुम देखोगे। हरे कृष्णा। माता जी मैं पढ़ लूं? जी जी माता जी। विराट रूप या विश्व रूप भगवान का विशाल सार्वभौमिक रूप, जिसे निर्विशेषवादी द्वारा बहुत ही सराहा जाता है, और भगवान का शाश्वत रूप नहीं है। यह भौतिक सृष्टि के अवयवों के बाद भगवान की सर्वोच्च इच्छा से प्रकट होता है। विराट रूप आध्यात्मिक आकाश में प्रदर्शित भगवान का शाश्वत रूप नहीं है, यह भगवान की एक भौतिक अभिव्यक्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अभी भगवान क्या कहते हैं कि तुम मेरा ऐसा विराट रूप देखोगे कि जिसमें मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजार प्रकार के देवी देवता और अलग अलग रंग वाले रूपों को तुम देखोगे। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, तुम आदित्य को, वसु को, रुद्र को, अश्विनी कुमार को और अन्य सभी देवी देवताओं को विभिन्न रूप को यहाँ पे देखोगे। यहाँ बैठे बैठे तुम मेरे रूप को देखोगे, और तुम ऐसे अनेक आश्चर्य रूप को देखोगे जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। भगवान जब विराट रूप दिखाते हैं, उससे पहले उसको बताते हैं कि तुम क्या देखोगे। भगवान कहते हैं तुम वर्तमान भी देख सकते हो, तुम भविष्य भी देख सकते हो, और तुम जो चाहे वो देख सकते हो, ये विराट रूप के माध्यम से। और ये विराट रूप कैसा था भगवान का? पूरा आकाश। आज हम देखते हैं ना घर में टीवी जो लगाते हो, कितना बड़ा होता है, पूरी एक वॉल को कवर कर लेता है, इतना बड़ा टीवी होता है। तो ये विराट रूप भी भगवान ने ऐसे स्क्रीन पे चलाया था कि पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड समाहित हो गया था उसके अंदर, कि कोई एक कोना नहीं दिखता था कि यहाँ पे भगवान का रूप ना हो, ये एक कोना नहीं दिखता था कि भगवान जहाँ खड़े ना हो, ये एक कोना नहीं दिखता था, ये एक दिशा नहीं दिखती थी कि वहां पे भगवान ना दिखे हो। और कहाँ से देखते थे ये विराट रूप को? अर्जुन कृष्ण दोनों रथ पे बैठे बैठे ये चीज को देख रहे थे, पूरी चीजों को देख दिखा रहे थे भगवान उसको, अपने ऐश्वर्य को, जिसकी अभिव्यक्ति, मतलब बोलते हैं ये भगवान की एक भौतिक अभिव्यक्ति। हरे कृष्ण माता जी, कोई पढ़ेगा? जी माता, मैं पढ़ूं? जी जी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। विश्वरूप मंदिर में अर्चा विग्रह या पूजा करने योग्य देवता नवजातों के लिए भगवान की एक समान अभिव्यक्ति है, लेकिन अपने भौतिक स्पर्श के बावजूद भगवान के विराट और अर्चा जैसे सभी रूप भगवान कृष्ण के रूप में उनके शाश्वत रूप से अलग नहीं है। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम 3.6.4। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये कैंटो है 3rd, उसका चैप्टर 6 का 4th श्लोक है कि प्रबुद्ध कर्मा देवे ने त्रयो विशति को गणा प्रेरितो जन यत्स्व स्वाभिर मात्रा भीर दि पुरुषम। जब परम पुरुष की इच्छा से 23 प्रमुख तत्वों को सक्रिय बना दिया गया है, तो भगवान का विराट विश्वरूप शरीर प्रकट होता है। तो इसका क्या तात्पर्य होता है कि विराट रूप या विश्व रूप, जिसकी निर्विशेषवादी बहुत बड़ाई करते हैं, वो भगवान का नित्य रूप नहीं है। भगवान की परम इच्छा द्वारा भौतिक सृष्टि के अवयव के द्वारा बाद ही ये प्रकट किया गया था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये विराट या विश्व रूप निर्विशेषवादियों को ये विश्वास दिलाने के लिए दिखाया है कि वो आदि भगवान है, उनका अंत नहीं है, ये आदि भगवान है। कृष्ण ने विराट रूप प्रकट किया था, ऐसा ही नहीं कि विराट रूप का रूप द्वारा कृष्ण प्रकट हुए, इसलिए विराट रूप भगवान द्वारा वैकुंठ में प्रकट किया गया नित्य रूप नहीं है, ये भगवान का भौतिक प्रागट्य है। नव जिज्ञासु के लिए मंदिर का अर्श विग्रह भगवान का ऐसा ही प्रागट्य है, किंतु भगवान के विराट तथा अर्श रूप भौतिक होने पर भी उन्हें नित्य रूप से अभिन्न है। भगवान का जो नित्य रूप है उससे विराट रूप अभिन्न है, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। हम आगे देखेंगे कि सबने पता ही है सबको कि अर्जुन कैसे डर जाता है, कैसे भयभीत हो जाता है। ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि त्राही माम भगवान, ये तो भगवान एक काल रूप में ही दिख रहे थे, तो वो पूरा देखेंगे हम।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी माताजी पढ़ गए हरे कृष्णा विश्वरूप दिव्यम तदामि ते चशु आ पश्य में योगम में स्वरम किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते तहा मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो भगवत गीता 11.8 हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। अब भगवान उसको कहते हैं कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है मेरा दिव्य रूप देखने की, तुम यहाँ बैठे बैठे सब चीजें देख सकते हो। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठ के पूरा विश्व के दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो भी नहीं देख सकता है, दूसरे के घर में क्या हुआ है वो भी नहीं देख सकता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ बैठे बैठे ही सारी चीजें देख सकते हो और मैं तुम्हें उसके लिए दिव्य दृष्टि दूंगा। तो जो आठवां श्लोक है वो कि किंतु तुम मुझे अपनी इन दृष्टि से नहीं देख पाओगे, इसके लिए क्या होगा, तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा मैं जिससे तुम मेरे पूरे रूप को देख पाओगे, तुम वर्तमान भी देख पाओगे, तुम भविष्य भी देख पाओगे, तुम जो भी देखना चाहोगे ना तुम वो मेरे अंदर मेरे रूप से। हरे कृष्णा तुम सारी चीजें देख पाओगे। और जैसे हम कहते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवतम में भी कहा है कि अभी मैंने कहा कि कृष्ण के साथ जो खेलने वाले बालक थे वो बहुत पवित्र थे, प्योर सोल थे। कृष्ण के साथ उनके बहुत सारे प्रकार के खेल अवसर होते रहते थे और ये तब प्राप्त होता है जब अनेक अनेक जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे होते हैं ना, तब हमें भगवान की संगति मिलती है। और सबसे बेस्ट बात है कि भक्तों की संगति मिलती है, जैसे ना भक्त से भक्त दो जब जुड़ते हैं फिर तीन भक्त जुड़ते हैं और जो पूरा एक बोलते हैं ना मंडल बनता है, भक्त से भक्त होता है और दूसरा भक्त जुड़ता है तो सबकी भक्ति में बरकत होती है। और जब सबकी भक्ति में बरकत होती है तो ऑटोमेटिक हम भगवान की ओर चले जाते हैं। तो ऐसे जो वो गोप गोपिया थी, यशोदा माँ थे, जो नंद थे, उनको तो वो भगवान मानते ही नहीं थे, मतलब कृष्ण भगवान नहीं, वो तो सामान्य बालक ही है। वैसे ही उनके साथ खेलने की, रहने की, और उन जो गोपिया थी जो आजू बाजू में रहती थी उन पे गुस्सा करती थी, हमें सब लीलाएं पता है उनकी, तो वो क्यों करती थी, क्योंकि उनके जन्म जन्मांतर के जो पुण्य है ना वो इकट्ठे हुए थे और भगवान के साथ रहने की और ये सारी लीलाओं का भाग बनने का उनको अवसर प्राप्त हुआ था और वो उनको निजी मित्र मानते थे, वो ये नहीं मानते थे कि ये भगवान है। अब भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देखते हैं। जब भी हम 3D मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो उसका एक अलग से चश्मा आता है, अगर 3D मूवी का चश्मा नहीं पहनेंगे ना तो हमें स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखेगा, हम धुंधला पूरा ऐसे दिखेगा। तो वैसे ही भगवान अर्जुन को ऐसे दिव्य दृष्टि देते हैं, 3D चश्मा देते हैं कि तू ये चश्मा पहनेगा ना, ये जो दृष्टि मैं तुम्हें दूंगा वो तू लगाएगा ना तो फिर तुम मेरे सारे रूप को सारी चीजों को बहुत अच्छे से तुम देख पाओगे। अभी 11.8 का आश्रय पढ़ लिया हमने तो इसके हम चर्चा करेंगे, पर माताजी ब्रेकआउट रूम बनाने के लिए तो अभी टाइम है नहीं। हरे कृष्णा ओके ठीक है माताजी कोई बात नहीं। हाँ क्योंकि अभी ब्रेकआउट बनाएंगे तो भी 10-15 मिनट निकल जाएगी है ना। माताजी इस प्रश्न को डिस्कस कर लीजिए क्लास। हाँ तो डिस्कस कर लेते हैं। अब जिसको भी इसका जवाब देना है वो दे दीजिए कि एक आशय पढ़े कि एक साथी के साथ चर्चा करें कि भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप को देखने के लिए आवश्यक शक्ति क्यों दी। हरे कृष्णा आप अपने हिसाब से जिसको भी जवाब देना है आप दे सकते हैं, कोई पनिशमेंट नहीं है, ओपन फॉर ऑल। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हाँ माता जी इसलिए दिखाना चाह रहे थे वो विश्व रूप कि हम सबको आगे फ्यूचर में सबको ये पता लगे कि भगवान सर्व सर्व श्री कृष्ण में ही है, किसी के मन में शंका ना हो इसके स्तर पे ये दिखाना चाह रहे थे। हाँ हरि बोल प्रभु जी
हरे कृष्ण सही है। और हरे किस कृष्ण माता जी। जी मैं कुछ जी कहूँ माता माता जी। जी जी माता जी जी माता जी यहाँ पर चूंकि एक गुरु शिष्य परंपरा पुनः स्थापित हो रही थी अर्जुन और श्री कृष्ण के माध्यम से, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्वरूप को देखने के लिए आवश्यक शक्ति भी इसलिए दी क्योंकि अभी तक जैसे अपन कहते हैं ना चोरी था सब कुछ। भगवान कह रहे थे कि अर्जुन मैं भगवान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही सबका नियंता हूँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त होती है, जीव होते हैं और सारा जो जितना भी चर या अचर जगत है, जड़ चेतन, वो सब मुझसे ही उद्भूत होता है और मैं ही सबका कारण हूँ। परंतु जब भगवान अपना विश्व रूप दिखाने की उसको दिव्य शक्ति इसलिए दे रहे हैं ताकि आगे भविष्य में जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक परंपरा जो स्थापित होगी उसमें अर्जुन चूंकि उस परंपरा को वापस पुनः स्थापित कर रहे हैं तो वो ये बता सके कि थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल अनुभव किया है उन्होंने, यानी उन्होंने साक्षात देखा है उस स्वरूप को, तो कहीं कोई संशय ना रहे आगे आने वाले शिष्यों के मन में या उस परंपरा को फॉलो करने वालों के मन में। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी। हरे हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी हरि बोल। ये भी एक बात है क्योंकि अभी वर्बली ही बात हुई थी, सारी वर्बली बात हुई, ये प्रैक्टिकल बात थी जो दिखा रहे थे भगवान, तो प्रैक्टिकली ये चीजें देखी थी। और गुरु परंपरा का जो बोल रहे हैं वो ये नई शुरुआत भी थी उनकी, तो ये माता जी ने बहुत अच्छे से बताया पॉइंट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रगति माता जी। हरे कृष्ण पुनः दंडवत प्रणाम। तो इसके अंदर श्लोक 11.8 में भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें दिव्य आंखें मतलब दिव्यम चक्षु देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मतलब पश्चिमे योग ऐश्वरम। वो अपने आगे ये बता रहे हैं कि विशेष दृष्टि क्यों दी, क्योंकि अनन्य भक्त होने के कारण अर्जुन के पास प्रेम के श्रेष्ठ चक्षु थे, जिसके द्वारा वह कृष्ण के मानवीय रूप को और लीलाओं को मधुरता को देखने का आदि मतलब हो चुका था। वो बचपन से वो जानता था, वो कजन था, वो मित्र भी था, तो वो मतलब शुद्ध भक्त भी है अर्जुन, और मतलब वो प्रेम से मित्र भी है। इस वजह से कृष्ण ने अर्जुन को चुना अपने विश्व रूप को दिखाने के लिए। और दूसरा कि अर्जुन को विस्मित करने के लिए कृष्ण अर्जुन को हजारों सिर आंखों आदि के साथ उनके विराट रूप को देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि भी दे रहे हैं, जो कि अर्जुन ने एक्सपेक्ट नहीं की है। तो ये वजह है कि हाँ अर्जुन को जी भी क्यों दिव्य दृष्टि दी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप सबने बहुत अच्छे से हरे एक्सप्लेन कृष्ण। किया। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। मैं माता जी अभी मैं क्लास को ओवर करूँ, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं क्योंकि दूसरा क्लास भी है। तो हरे कृष्णा। और माता जी अगर आपको डिस्कशन करना है तो मैं लिव को हाँ माता जी, यहाँ पे क्लास ये कर दीजिए।